हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप दैट यू मस्ट बी फाइन। तो हाजिर है आपका दोस्त बालम दास आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर हमारी क्लास नंबर है 76। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास नंबर 76 एंड इन दिस टुडेज क्लास आई विल टीच यू अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज आवर यूजिंग स्टेप यूज ऑफ इफ। फ्रेंड्स, आज जो यूज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इफ, ये भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि डेली लाइफ के अंदर हमको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है इस यूज को इस्तेमाल करने की। तो आज मैं आपको इफ का यूज जो है बेहतरीन अंदाज से पढ़ाने वाला हूँ। और इफ कंडीशनल में हम पढ़ेंगे, आज हम जो पढ़ेंगे वो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर इफ का इस्तेमाल करेंगे। और इसके जो भी दो तीन चार सेंसेस है वो तमाम सेंसेस में आपको पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखना मुनासिब नहीं समझा। अब क्यों मुनासिब नहीं समझा? इसलिए क्योंकि इफ जो है हमेशा हम जो है कंडीशनल के अंदर शुरू में इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो है दो पार्ट ऑफ सेंटेंस आ जाते हैं, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं जो है फार्मूला लिखूं। तो आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। नंबर वन सेंटेंस, अगर मैं मुंबई गया तो आमिर खान से मिलूंगा। कंडीशनल सेंटेंस, इफ जो है वो कंडीशनल के तौर पे आज हम पढ़ने वाले हैं इफ को। तो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर मैं मुंबई गया, ये कंडीशन है कि अगर मैं मुंबई गया तो आमिर खान से मिलूंगा, अगर नहीं गया तो छोड़ दें। तो इस सेंटेंस की जो ट्रांसलेशन होगी वो हम इस तरह करेंगे। सबसे पहले हम इफ का इस्तेमाल करेंगे, इफ। अब इफ के बाद हम जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसकी ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में। अगर मैं मुंबई गया, If I go to Mumbai, sorry, Mumbai एक नाउन है। अगर मैं मुंबई गया तो आमिर खान से मिलूंगा, I will meet आमिर खान। अगर मैं मुंबई गया तो आमिर खान से मिलूंगा, If I go to Mumbai, I'll meet आमिर खान। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में गया आ रहा है फर्स्ट पार्ट के एंड में, तो से पहले वर्ड तो से पहले अगर गया आ रहा है तो आप समझ जाएं कि ये सेंटेंस जो है फर्स्ट पार्ट हम इंडेफिनिट के अंदर करेंगे और ये सेकंड पार्ट तो सीधी सी बात है फ्यूचर इंडेफिनिट का ही है, तो हम इस तरह करेंगे। आते हैं नंबर टू सेंटेंस पे। अगर अब्बू ना आए तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर अब्बू ना आए, देखिए यहाँ पे ये था गया आए, जैसे पास्ट इंडेफिनिट की सैम्बल हो, लेकिन ये इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अगर अब्बू ना आए तो मैं नहीं जाऊंगा, इफ पापा डजंट कम आए मैं नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो। तो ये दो सेंटेंस हमने जो किए ये इंडेफिनिट के सेंस के अंदर थे, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है इंडेफिनिट में था और सेकंड पार्ट तो फ्यूचर में था ही। आते हैं नंबर थ्री सेंटेंस पे। अगर अम्मी घर पे हुई तो मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। अगर अम्मी घर पे हुई तो मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। तो ये जो है घर पे होना, ये जो है हमारा सिंपल टेंस जो मैंने शुरू में पढ़ाए थे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, जिसे हम प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी और फ्यूचर टू बी भी कॉल कर सकते हैं, तो उसका सेंटेंस है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इज एम आर का। इफ मॉम इज एट होम मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आई वॉन्ट कॉल यू। क्लियर है? तो अब आते हैं नंबर फोर सेंटेंस पे। नंबर फोर सेंटेंस हमारा है, अगर डॉक्टर प्रेम घर होगा तो हमसे मिलेगा। अब ये भी जो है टू बी टेंस का सेंटेंस है और ये टू बी टेंस जो है फ्यूचर टू बी टेंस, जैसे फ्यूचर सिंपल भी मैंने पढ़ाया करके पढ़ाया था, तो यहां पे भी हम इसी तरह सेंटेंस करेंगे। इफ डॉक्टर प्रेम विल बी एट होम He will meet us. अगर डॉक्टर प्रेम घर होगा तो हमसे मिलेगा, ये भी एक कंडीशन है
कि अगर डॉक्टर प्रेम घर होगा तो हमसे मिलेगा, इफ डॉक्टर प्रेम विल बी एट होम ही विल मीट अस। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको इफ का एक और सेंस सिखाता हूँ। यहाँ पे नंबर वन सेंटेंस है, अगर मैं लाहौर जाता तो तुम्हारे भाई से मिलता। अब देखिए, अब यहाँ पे भी आखिर में ता आ रहा है, यहाँ पे भी ता आ रहा है, तो ऐसा सेंटेंस हम जो है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर करेंगे। क्या करेंगे? ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर फर्स्ट पार्ट में भी ता आ रहा है, सेकंड पार्ट में भी ता आ रहा है, यानी दोनों पार्ट्स माजी ही शो कर रहे हैं, पास्ट को शो कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम जो है पहला पार्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर करेंगे और सेकंड पार्ट जो होगा उसके अंदर हम करेंगे वुड का इस्तेमाल। क्या करेंगे? वुड का इस्तेमाल। तो आइए सेंटेंस की मदद से आपको और बेहतर अंदाज से सिखाने की कोशिश करता हूं। तो अगर मैं लाहौर जाता, सबसे पहले इफ आएगा, आई वेंट लाहौर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखें दोनों पार्ट्स के अंदर ता आता हो तो हम उसे फर्स्ट पार्ट को इंग्लिश में जो है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर करेंगे और सेकंड पार्ट में हम जो है वुड का इस्तेमाल करेंगे। इफ आई वेंट लाहौर आई वुड, मैं तुम्हारे भाई से मिलता, मीट योर ब्रदर, योर ब्रदर। तो ऐसे सेंटेंस जो पास्ट में हो तो उसको हम जो है फर्स्ट पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे और सेकंड पार्ट में हम जो है वुड का इस्तेमाल करेंगे। आते हैं नंबर टू सेंटेंस पे, अगर सर आज आता तो तुम्हें सजा देता। ठीक है, दोनों पार्ट में ता आ रहा है। अगर सर आज आता तो तुम्हें सजा देता, तुमने हरकत ही ऐसी की है। तो यहां पे हम करेंगे इफ सर केम टुडे, अगर सर आज आता। अब क्योंकि सर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे यहां पे, ही वुड पनिश यू, अगर सर आज आता तो तुम्हें सजा देता, इफ सर केम टुडे ही वुड पनिश यू। आते हैं नंबर थ्री सेंटेंस पे, अगर मैं वहां होता तो बच्चों को डांटता। देखें सेंस को समझना है, दोनों सेंटेंसेस में ता आ रहा है आखिर में, और यहां पे एक और चीज है, अगर मैं वहां होता, यानी यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है पहले सेंटेंस के अंदर, पहले सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ मेरी मौजूदगी, मैं कंडीशन रख रहा हूं कि अगर मेरी वहां पे मौजूदगी होती, तो ऐसे सेंटेंस जो मौजूदगी जाहिर करते हैं वो टू बी टेंसेज होते हैं या सिंपल टेंसेज होते हैं। तो यहां पे है, अगर मैं वहां होता, पास्ट टू बी टेंस, इफ I was there, if I was there, तो मैं बच्चों को डांटता, I would scold children। अब सीधी सी बात है, बच्चों ने कोई हरकत की होगी इसलिए हमने ये conditional sentence इस्तेमाल किया कि अगर मैं वहां होता तो बच्चों को डांटता, if I was there, I would scold children। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको इस इफ का आखिरी नंबर थ्री सेंस समझाता हूं कि इसके सेंटेंसेस कैसे किए जाते हैं। तो यहां पे सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर मैं कराची गया होता तो उससे मिल चुका होता। अब यहां पे मैंने चुका को अंडरलाइन किया है, अगर किसी सेंटेंस में वर्ड चुका आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ये सेंटेंस जो है परफेक्ट टेंस का है और यहां पे है जो है परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है उनको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर करेंगे क्योंकि इसमें वर्ड जो है सीधा सा वर्ड चुका आ रहा है जो जाहिर करता है कि ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम इफ का इस्तेमाल करेंगे, इफ अगर मैं कराची गया होता, इफ आई हैड गॉन कराची। अब फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस के सेकंड पार्ट में जो है हम वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे और वुड हैव इस्तेमाल करेंगे तो सीधी सी बात है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। पिछले सेंस में हमने जो है
पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया था इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जबकि इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमने वुड का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पास्ट परफेक्ट का है, तो सेकेंड पार्ट में हम जो वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, और वुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो हम लिखेंगे इफ आई हैड गॉन कराची आई वुड हैव मीट हिम, क्योंकि मीट की थर्ड फॉर्म भी मीट ही है, इसलिए हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है मीट। तो आते हैं नंबर टू सेंटेंस पे, अगर तुम पढ़ते तो इंजीनियर बन चुके होते। हमने कंडीशन बताई है कि अगर तुम पढ़ते तो जो है इंजीनियर बन चुके होते, यानी तुम्हारा जहन इतना अच्छा काम कर रहा है कि हमने जो है कह दिया कि अगर तुम पढ़ते तो इंजीनियर बन चुके होते। तो हम लिखेंगे इफ यू हैड स्टडीड, या हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे गॉट एजुकेशन, लेकिन हमने यहाँ पे स्टडीड का इस्तेमाल किया है। स्टडीड यू वुड हैव बीन एन इंजीनियर, यहाँ पे बीन को हमने जो है एज अ वर्ब इस्तेमाल किया है। अगर तुम पढ़ते तो इंजीनियर बन चुके होते, If you had studied, you would have been an engineer. आते हैं नंबर थ्री सेंटेंस पे, अगर बैन डंक पाकिस्तान आता तो मुझसे मिल चुका होता। जो बैन डंक प्लेयर हैं, जिसने लाहौर की तरफ से PSL के अंदर बेहतरीन कारकर्दगी पेश की थी, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं। तो यहां पे मैं कंडीशन रख रहा हूं कि अगर बैन डंक पाकिस्तान आता तो मुझसे मिल चुका होता, PSL से भाग गया था इस कोरोना की वजह से, उसके बाद अगर वो यहाँ पे आता तो मुझसे मिल चुका होता इस टाइम। तो इस सेंटेंस को हम इसी तरह करेंगे, इफ बेन डंक हैड कम पाकिस्तान ही वुड हैव He would have meet me. अगर बैन डंक पाकिस्तान आता तो मुझसे मिल चुका होता। If बैन डंक had come Pakistan, he would have meet me. तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो के अंदर मैंने जो if था उसको कंडीशनल के अंदर आपको पढ़ाया कि if के सेंटेंसेस जो हैं कंडीशनल में कैसे किए जाते हैं, और उसके जो तीन मुख्तलिफ सेंसेस मैंने आपको यहाँ पे सिखाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो लेक्चर मुकम्मल देखने के बाद आपके जहन के अंदर जो भी सवाल थे रिगार्डिंग इफ इन कंडीशनल, वो तमाम क्लियर हो चुके होंगे। और जब भी आपको इफ का कंडीशनल के सेंटेंसेस मिलेंगे तो आप जो है बिला झिझक उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप दोस्तों में से किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप बहुत ही जल्द से जल्द मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस ऑन टाइम आप तक जो है पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, अब आपका दोस्त बालमदास आपसे इजाजत लेगा, फिर बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, टाटा।